रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरत होती है इमोशनल मच्योरिटी की। अगर आप लोग इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आपके रिलेशनशिप दूसरों से कहीं ज्यादा अच्छे होंगे। तो जो लोग कर्क असेंडेंट में या कर्क लग्न में जन्म लेते हैं उनके अंदर तो इमोशनल मच्योरिटी पहले से ही होती है। ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में आखिर क्या चाहते हैं? देखिए, हर कोई कुछ ना कुछ तो चाहता ही है, और कर्क लग्न की भी एक बहुत बेसिक नीड होती है जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पे अगर आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ हो या आपके पार्टनर कर्क लग्न के हो। तो चलिए यही सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। एक नई सीरीज के तहत मैं बात कर रही हूँ हर लग्न के सातवें घर की, ताकि हम ये समझ पाएं कि आपकी प्रेम में और संबंधों में एक्चुअल में नीड्स क्या हैं, ताकि आप और आपके पार्टनर मिलकर उन नीड्स को अच्छे से फुलफिल कर सके। आज हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न के बारे में। आपका लग्न कर्क तब माना जाता है जब आपके जन्म के समय पर पूर्व में कर्क राशि का उदय हो रहा था, यानी कि यह आपका उदय लग्न बन जाता है, जिसकी वजह से इसे आपकी कुंडली के पहले घर में रखा जाता है। लेकिन अगर कोई राशि पूर्व में उदय हो रही थी तो नेचुरल सी बात है कि कोई राशि पश्चिम में अस्त भी हो रही थी। तो वो जो अस्त राशि होती है पश्चिम दिशा वाली, वो कहाँ होती है? वो होती है आपके सातवें घर में। पहला घर आपको ये बताता है कि आप दिखते कैसे हैं, दुनिया को देखते कैसे हैं, आपकी फिजिकल रियलिटीज क्या है, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इत्यादि इत्यादि। और सातवां घर ये बताता है कि आपकी पर्सनालिटी के कुछ हिडन एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं, या फिर किन चीज़ों की आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो ये चीज़ आपको आपका सातवां घर दिखाता है। इन जनरल सातवें घर को युवती भाव या स्त्री भाव कहते हैं, रिलेशनशिप और मैरिज का भाव कहते हैं, बट वो आपको काफ़ी सारी बातें आपकी पार्टनरशिप के बारे में, आप किन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनके बारे में भी बता सकता है। यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। कर्क लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा यानी सबसे चंचल, चंद्रमा यानी आपके इमोशंस को कंट्रोल करने वाला ग्रह, चंद्रमा यानी आपकी ब्यूटी को और आपके बॉडी की प्लम्पनेस को कंट्रोल करने वाला ग्रह। जहाँ जहाँ चंद्रमा होता है वहाँ खूबसूरती तो ज़रूर होती है, और कर्क लग्न में आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मचोरिटी भी देखने को मिल जाती है। बहुत सारे लोग जिनका जन्म कर्क लग्न में होता है वो आपको इमोशनली काफ़ी साउंड मिलेंगे, काफ़ी परसेप्टिव मिलेंगे। दूसरों के मन की बात को जान लेना या दूसरों के भाव पढ़ लेना इन लोगों के लिए काफ़ी आसान होता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कहीं सीखते हैं, ये नेचुरली इनके अंदर होती हैं, कि ये आपके मन के अंदर जो उमड़ घुमड़ रहे होते हैं भाव, उनको बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, उन्हें आसानी से जान लेते हैं। कर्क लग्न क्योंकि चंद्रमा का लग्न है और जल के तत्व का लग्न है, यही वजह होती है कि यहाँ पर आपको इमोशनल थोड़े से अप्स एंड डाउन्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये लोग बाहर से काफ़ी स्वीट होते हैं, गुड नेचर्ड होते हैं, पोलाइट होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। बेसिकली कर्क लग्न वाले लोगों के साथ मिलकर आपको मन में ऐसा मैल नहीं महसूस होता, दे वेरी नाइस पीपल, वेरी पोलाइट पीपल। हालांकि मन के भीतर ही भीतर ये काफ़ी सारे नेगेटिव इमोशंस को भी दबा के रखते हैं, खास तौर पर गुस्सा, एंगर या रेज, ये इनके अंदर काफ़ी दबी हुई होती है, ढकी हुई होती है। और दूसरों को इमोशनली खुश करने के चक्कर में ये लोग इतना सेल्फ सैक्रिफाइस अक्सर कर देते हैं कि अपने इमोशंस पर ही ध्यान नहीं दे पाते। तो ये कर्क लग्न की खासियत होती है दैट दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन। अब हम बात कर लेते हैं इनके सातवें घर की। इनका जो सातवां घर है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में। अब ये जो राशि होती है वो होती है शनि की राशि। शनि यानी द बिगेस्ट मैलिफिक इन आर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है और ज्योतिषीय सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ, सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो शनि है। हालांकि शनि आपको बहुत सारी चीज़ें देता भी है, लेकिन चैलेंज के बाद ही देता है। मैंने आपको पिछले कई सारे वीडियो में ये बात बताई है कि शनि आपको टेस्ट पहले देता है और लेसन बाद में पढ़ाता है। तो वो ऐसा टीचर है, बाकी टीचर क्या करते हैं, लेसन पढ़ाते हैं फिर टेस्ट देते हैं, शनि उल्टा करता है, वो आपको पहले टेस्ट
टेस्ट देता है, देखता है आप कहाँ कितने पानी में हो और फिर आपको लेसन सिखाता है। सो दैट इज अ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट शनि दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। जब सातवें घर को मकर राशि ऑक्यूपाई करती है तो हम क्या देखते हैं? देखिए, वैसे तो सातवां घर नैसर्गिक रूप से वीनस का माना जाता है, शुक्र का माना जाता है। तो वीनस और सैटर्न यानी कि शुक्र और शनि आपस में कोई बैर भाव नहीं रखते हैं। इनफैक्ट इवन दो ये एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल ही अलग दुनिया में जीते हैं, इनके बीच में अच्छी मैत्री भी हो सकती है। तो यही वजह होती है कि सातवें जब घर में आ जाते हैं शनि तो उन्हें तो बिल्कुल डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता, ही इज कम्प्लीटली कम्फर्टेबल। लेकिन क्योंकि ये घर आपके शादी का है इसीलिए शनि की जो कोल्डनेस है, जो रैशनेस है, वो यहाँ पर ज़रूर आ जाती है। और कहीं ना कहीं जो प्लेजर का भाव होता है वीनस से रिलेटेड, उसको इनहिबिट करती है, उसे घटा देती है। शनि का जहाँ आपको मालूम ही है कि चैलेंजेस की बात हो रही होती है हमेशा, इट्स ऑलवेज टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस आपके लाइफ में, इश्यूज, तो कर्क राशि वाले लोग या कर्क लग्न वाले लोग अक्सर ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनके लाइफ में बार बार चैलेंजेस लाते ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर बार ये चैलेंज लड़ झगड़ कर अपने पति या पत्नी के थ्रू ही आएगा या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के थ्रू ही आएगा, लेकिन फिर भी इन लोगों की एक टेंडेंसी होती है टू बी विद पीपल हु चैलेंज देम एंड नॉट इन अ गुड वे। एनीवे, सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। ओके, इवन दो शनि का सातवें घर में होना कोई इतनी खराब या बुरी बात नहीं है शनि की राशि को ऑक्यूपाई करना, लेकिन फिर भी मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज देखी है कि कर्क राशि की महिलाएं, विमेन बॉर्न इन कर्क राशि, सॉरी कर्क लग्न, इनकी एक आदत होती है कि वो ऐसे पति चुनती हैं जो या तो उनसे उम्र में बड़े होते हैं या फिर जो कि उनको किसी ना किसी तरीके से इमोशनली बिल्कुल कुछ रिटर्न नहीं दे पाते। दे आर इमोशनली नॉट वेरी वार्म, दे आर कोल्ड। इन फैक्ट ऐसा बहुत सारी महिलाएं कर बैठती हैं एंड दे लाइक बींग विद सच पीपल, दे इंजॉय द कंपनी ऑफ सच पीपल, कि ये खुद तो काफ़ी इमोशनल है लेकिन पार्टनर ऐसा चुन लेती हैं जहाँ इमोशनल वॉइड है एकदम, तो वो इमोशनली वो कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें अक्सर प्रॉब्लम होती है। और जो मैंने आपको बताया ना कि बाकी सबका तो ख्याल रख लिया, अपना तो ख्याल रखा ही नहीं, तो ये एग्जैक्टली उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सारे कर्क लग्न वाले लोग ऐसा ही करेंगे, लेकिन कर्क लग्न की स्त्रियां ऐसा पति ढूंढे ये बहुत कॉमन होता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। खैर ये तो कॉमन वाली बात हो गई, लेकिन जो जनरल प्रेडिक्शन है उनकी बात कर लेते हैं। सातवें घर को जब शनि या मकर राशि ऑक्यूपाई करेंगी तो वो किस चीज की बात करेंगी? वो करेंगी ड्यूटी की, वो करेंगी लॉ की, वो चीजें जो आपको करनी ही है, देयर इज नो एस्केप। फॉर इंस्टेंस, बहुत सारे कर्क राशि या कर्क लग्न के लोग इसलिए शादी करते हैं क्योंकि करनी है, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, या भाई एक सही उम्र होती है जब शादी हो जानी चाहिए, इस तरह की बात इनके मन में होती है, तो करनी ही है के सेंस में ये लोग शादी कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो काफ़ी उनको लगता है कि भाई समझदार है, मुझसे उम्र में बड़ा है तो मुझे अच्छे से समझ पाएगा, या फिर दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ मी बिकॉज दे आर ओल्डर और मे बी दे आर स्मार्टर, तो वो इस तरह की बातें सोचना अक्सर शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दे एंटर वेरी टिपिकल मैरिजेस। तो अगर आप अपने ग्रैंड फादर्स की जनरेशन को देखें तो आप नोट करेंगे कि एक हस्बैंड है हु इज़ वेरी कोल्ड एंड रूथलेस इन हिज अप्रोच, जो बहुत क्या कहते हैं उसे, हर चीज़ को नाप तोल कर चलने वाले, हर चीज़ के ऊपर क्या क्यों के सवाल पूछने वाले। और फिर आपको उनकी वाइफ दिखेगी जो कि बहुत स्वीट है, बहुत इनोसेंट है, बच्चे घर में आ गए तो उनके लिए तरह तरह के खाने पकाएंगी और अपने पति से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगी, बिल्लियों को कुत्तों को बड़ा प्यार करेंगी, घर में कोई आए कुछ मांगे तो उसे 5 रुपए मांगे तो 10 रुपए देंगी, और भगवान का बड़ा डर रखेंगी अपने मन में, रिलीजियस बहुत होंगी। तो ये बहुत ही टिपिकल रिलेशनशिप डायनेमिक है, बेहद टिपिकल, जो आपको भारत के बहुत सारे घरों में देखने को मिल जाएगा। और यही टिपिकल रिलेशनशिप डायनेमिक जो है वो कर्क लग्न में भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जेंडर जरूरी नहीं है क्योंकि जेंडर्स फ्लिप भी हो सकते हैं, आपको कई ऐसे पुरुष भी मिलेंगे जिनकी जो स्त्रियां होती हैं, जो उनकी पत्नियां होती हैं, वो कहीं ज्यादा कोल्ड और मैकेनिकल होती हैं अपने अप्रोच में टुवर्ड्स लाइफ, एंड द हस्बैंड्स आर कंसिडर्ड मोर इमोशनल, इमोशनली वार्म और इमोशनली कोल्ड, हाउएवर बट दे आर इमोशनल। तो इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ हम ऐसा भी नोटिस करते हैं कि एक शादी करना और उस शादी को निभाना, उस रिश्ते को निभाना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
आप लोग प्यार में, कर्क लग्न वाले लोग प्यार में फ्रिवलसनेस नहीं चाहते, प्यार आपको तमाशा की तरह नहीं लगता, प्यार आपको टाइम पास नहीं लगता। अगर आपके जीवन में कोई रिलेशनशिप है तो आप चाहेंगे कि वो अपने अंजाम तक पहुंचे, और आप लोगों के लिए अंजाम होता है शादी। अब जब शादी हो गई तो आप कुछ भी करेंगे कि वो रिलेशनशिप टूटने ना पाए, किसी भी तरीके से वो चीज़ बचे, किसी भी तरीके से वो चीज़ सलामत रहे, किसी भी तरीके से वो चीज़ टूटने ना पाए, यही आप लोगों का इवेंचुअल गोल होता है। और क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफिशियल होते हो, इसलिए अक्सर आप अपने लिए बहुत सारी कमियाँ कर देते हो, अपनी इच्छाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जस्ट सो दैट वो रिलेशनशिप या वो जो रिश्ता है वो टिका रहे। खैर मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट रही हूँ यहाँ पे, लेकिन यही सेल्फ सैक्रिफिशियल नेचर और यही जो उनकी एक तमन्ना होती है कि भाई चीज़ टूटे ना, इसी वजह से बहुत सारे कर्क लग्न के लोग, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में भी रहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स में रहते हैं जहां उन्हें लिटरली कुछ नहीं मिल रहा है, जहां पर वो लोग एक फिक्चर की तरह रहते हैं उस घर में, दैट दे एग्जिस्ट, दैट्स इट। ओके नाउ, शनि का या शनि की राशि का सातवां घर ऑक्यूपाई करना कोई बुरी बात नहीं होती है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। जब यहाँ पर हेल्दी तरीके से इसको देखा जाए तो आप ऐसा पार्टनर ढूंढ सकते हो व्हिच हु इज मच ओल्डर, हु अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, जिसने चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया हो, अच्छे से जाना हो, अच्छे से समझा हो, जो वो स्टैंड ले सके जो आप नहीं ले पाते या नहीं ले सकते। नाउ रिमेंबर, कर्क एक पानी के तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है, यही वजह होती है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो मकर है वो कैसी राशि है, वो पृथ्वी के तत्व की राशि है, तो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी जो आपको मकर में देखने को मिलती है, वो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी आपको कर्क राशि में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कर्क राशि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और मकर राशि में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद आप लोग मत कीजिए, बहुत कम ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। कर्क राशि फोकस्ड किस चीज़ पे होती है, वो फोकस्ड होती है ऑन रिलेशनशिप्स, ऑन इमोशंस। लेकिन जो मकर राशि होती है वो किस में फोकस्ड होती है, ऑन अचीवमेंट्स, ऑन गेटिंग थिंग्स डन, ऑन अकम्पलिशिंग थिंग्स, उसका ध्यान वहाँ होता है कि मैं इस चीज़ को फुलफिल कैसे करूँ, मैं यहाँ टिक मार्क कैसे लगा दूँ, मैं अगला प्रमोशन कैसे पालूँ, इस तरह की चीज़ों पे उनका ध्यान होता है कर्क मकर राशि वालों का। तो दोनों ही जो हैं इनके बीच में एक कॉमन थ्रेड ये होती है कि वो शादी को, प्यार को बहुत ही ट्रेडिशनल सेंस में देखते हैं। ओके कि अगर मान लीजिए इन्हें कोई पसंद आ गया तो वो 5-6 साल उसे घुमाएंगे नहीं अपने साथ, उन्हें कोई पसंद है तो वो जाके उससे शादी कर लेंगे, एंड ऑफ स्टोरी, और वो शादी को फिर टूटने नहीं देंगे। तो इस तरह का ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो उस पर ध्यान देते हैं। मकर राशि को भी यही अच्छा लगता है, कर्क राशि को भी यही अच्छा लगता है, समय से शादी कर लो, समय से बच्चे हो जाए, समय से बच्चों का पालन पोषण हो जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर लिया जाए, भाई मेरा बच्चा 2 साल बाद 12वीं पास कर लेगा तो उसको कोर्स करने के लिए इतने लाख रुपए चाहिए तो मैं जमा करके रख लूँ, इस तरह की जो टेंडेंसीज हैं वो इन दोनों के बीच में बिल्कुल कॉमन होती हैं। यही वजह है कि ये एक बहुत अच्छा मैच बन जाता है व्हेन इट इज़ हेल्दी। और यही जब मैच हेल्दी होता है तो आप नोट करते हैं कि कर्क राशि वाले अपने इमोशंस को बाहर से एक्सप्रेस करते हैं थ्रू एक्ट्स ऑफ सर्विस। ओके कि वो अपने पति या पत्नी के लिए कोई सर्विस का काम करें, जैसे कि अगर वो थके मांदे आए घर से, कहीं बाहर से आए तो घर में उन्हें एक कप चाय दे दी, भाई वाइफ गई थी पूरा दिन शॉपिंग की, अब वापस आई है तो चलो उन्हें एक कप चाय दे दी जाए। या फिर सुबह उठ के हस्बैंड रात भर ही वॉज वर्किंग, उनकी नाइट शिफ्ट थी या ओवरवर्कड हो गए, बहुत देर से रात को घर आए, अब थके हुए हैं, आप समझ रहे हो कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो सुबह उठ के लिए उनका फेवरेट नाश्ता उनके लिए बना दिया, इस तरह की चीज़ें। सो दीज आर एक्ट्स ऑफ सर्विस जो कि कर्क राशि वाले या कर्क लग्न वाले अपने पार्टनर के लिए करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हेल्दी रिलेशनशिप होता है तो कैप्रिकॉर्न राशि वाले भी कुछ इसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो छोटे छोटे काम आपके लिए करते रहें, आप उन्हें अप्रिशिएट करते रहें बस। ज़रूरी नहीं है कि थैंक यू बोल के पूरी दुनिया में आपने टिंडोरा पीट दिया कि मेरे पति पत्नी ने मेरे लिए इतना ग्रैंड जेस्चर किया है, वो ज़रूरी नहीं होता। वो बस आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, करते चले जाएंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, और फिर आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उन्हें अप्रिशिएट करें। फॉर इंस्टेंस, हर संडे को उनका रूटीन है कि ब्रेकफास्ट वो बनाएंगे। ओके तो उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया, एवरी संडे इट इज़ हैपनिंग, दे आर डूइंग इट फॉर यू, बिना बोले, बिना बदले में कुछ उम्मीद किए। तो जो मकर राशि होती है वो कभी कभी इस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करती है,
कई बार मकर राशि वाले पुरुषों में खासकर आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग आउट ऑफ द ब्लू, वैसे तो कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, आउट ऑफ द ब्लू कुछ कर देंगे। आउट ऑफ द ब्लू आपके लिए कोई रिंग लेकर आ गए, आउट ऑफ द ब्लू आपके लिए साड़ी लेकर आ गए, आउट ऑफ द ब्लू आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ गए छोटा मोटा। तो इस तरह की चीज़ें मकर राशि वाले करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसे ही अप्रिशिएट किया जाए। और अक्सर कर्क राशि में जो लोग होते हैं दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, दे आर वेरी परसेप्टिव। जो उनका कोल्ड डिमीनर है बाहर से, जो वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते इमोशनली, उनके पीछे का जो एक्सप्रेशन होता है वो अच्छे से समझ लेते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। एंड ट्रेडिशनली गुड मैरिजेस जो भी आप देखते हैं वहाँ पे इस तरह का डायनेमिक आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जब ये रिलेशनशिप अनहेल्दी हो जाता है तो ये बहुत ही बुरे तरीके से अनहेल्दी हो सकता है। कैसे? दैट एक तो मैंने आपको बात बताई कि कर्क लगने वाले लोग कुछ ज़्यादा ही सेल्फ सैक्रिफिशियल हो जाते हैं, अपनी नीड्स उनको दिखाई ही नहीं देती, दैट इज़ वन बैड थिंग। देन दूसरी बुरी चीज़ ये हो सकती है कि एक रिलेशनशिप अब्यूजिव हो सकता है, दैट वन पर्सन इज कॉन्स्टेंटली यूजिंग द अदर पर्सन एंड द अदर पर्सन वो समझ ही नहीं रहे हैं कि उनका इस्तेमाल हो रहा है किसी रिलेशनशिप में, या फिर वो परेशान हो रहे हैं, पिट रहे हैं, यू नो इमोशनली अब्यूज हो रहे हैं, उसके बावजूद भी एक रिलेशनशिप में फंसे ही हुए हैं, तोड़ना ही नहीं चाहते उसको, चाहे वो उनको मतलब कितना भी वो घुट रहे हैं उस रिलेशनशिप में, उसे तोड़ना नहीं चाहते। दैट बिकम्स अनदर ह्यूज क्राइसिस जो यहाँ पे हो। लेकिन ये थोड़े एक्सट्रीम वाले केसेस हो गए। जो जनरली जब ये रिलेशनशिप कर्क और मकर के बीच में अनहेल्दी होता है, यानी कर्क लग्न जब अनहेल्दी रिलेशनशिप में होता है मकर राशि वाले या मकर लग्न के अस्त भाव होने पर, तब क्या होता है, इन जनरल फिर आप ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं हु डू नॉट केयर मच अबाउट यू, या फिर आप और वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, आपके हस्बैंड या वाइफ को समझ ही नहीं आता कि आपको दूसरों के दुखड़े सुनने की क्या ज़रूरत है, और आपको समझ नहीं आता कि आपको उनको किसी के दुखड़े सुनने की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो आपके पार्टनर के हिसाब से यू आर ओवरली सेंसिटिव और आपके हिसाब से योर पार्टनर इज इनसेंसिटिव। ओके, आपको लगता है कि मेरी आंखों में एक आंसू आए तो वो झट से पहचान ले, और वो कहते हैं कि भैया अगर आपको रोना आ रहा है तो हमें बता दो, हम आपके साथ बैठ जाएंगे, आपकी कथा सुन लेंगे। तो इस तरह का जो जनरल एक डिसएग्रीमेंट होता है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड इमोशनली आप एक दूसरे को समझते ही नहीं हो, या फिर जान ही नहीं पाते हो कि करना क्या है। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपको एग्जैक्टली किस राह पर जाना है। तो ऐसा लगता है कि इमोशनली आप लोग एक दूसरे के टच में ही नहीं हो। बाकी सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं भैया, शादी अच्छी है, लोग आपको अच्छा कपल मानते हैं, दोनों का रूटीन बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच होता है, बच्चे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छा मानते हो, लेकिन जो इमोशनल इम्बैलेंस है उसे अच्छा नहीं मानते। इन जनरल अगर ये रिलेशनशिप अनहेल्दी हो तो उसमें सबसे आसान तरीका है ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ बीइंग विद ईच अदर एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। और इस समय में जितना हो सके स्टेइंग फिजिकली क्लोज टू ईच अदर, टचिंग, हगिंग, ये सारे जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बिल्कुल इमोशनली अप्रोचेबल लोग नहीं होते उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और जो लोग बिल्कुल इमोशनली अप्रोचेबल होते हैं, बिल्कुल आसानी से इमोशनल हो जाते हैं, उनके साथ भी यू नो कैचअप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में कोशिश क्या करनी है कि कम्युनिकेशन पूरा रहे, शादी से रिलेटेड जो भी दूसरे आपके और यू नो काम है वो अच्छे से हो रहे हों, दैट्स फाइन, पीपल थिंक यू आर अ गुड कपल, फाइन, लेकिन आपस में भी बातचीत, आपस में भी समय बिताना एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर एंड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, इसके इस्तेमाल से आप लोग बहुत सारे अपने जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अदरवाइज लेट मी टेल यू कि ये जो कर्क और मकर की टीम होती है, अगर ये हेल्दी हो और एक साथ काम कर रही हो, इनसे अच्छे ना बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, इनसे अच्छे पेरेंट्स नहीं हो सकते, और इनसे अच्छे एक रिलेशनशिप में लोग भी नहीं हो सकते। दे मेक द परफेक्ट टीम। अब जान लेते हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए दो सबसे दुखदाई रिलेशनशिप कौन से हो सकते हैं। सबसे दुखदाई रिलेशनशिप आपके लिए पहले नंबर का कौन सा हो सकता है, वो है ऐसे व्यक्ति जो कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड है, जो कुछ ज़्यादा ही नई चीज़ों में बिलीव करते हैं, जो कुछ ज़्यादा ही यू नो वन रिलेशनशिप टू अनदर हॉप करते रहते हैं, यानी कि आज इसके साथ कल उसके साथ। तो ऐसे लोगों के साथ तो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक रेक पर्सनालिटी टाइप कहते हैं, जैसे प्ले बॉय कह लिया किसी को,
कि या फिर इसी तरीके को प्ले गर्ल जो भी है इस तरह की बातें कह ली कि वो एक व्यक्ति पे बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। कोई व्यक्ति मिला, उनसे बातें की, बहुत अच्छे से हंस हंस के बातें की, बड़ा अच्छा महसूस कराया, फिर बोर हो गए, फिर किसी और से बात करने चल दिए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो आपके लिए अत्यंत दुखदायी साबित हो सकते हैं, उनसे दूर रहिए। तो दूसरे तरह का दुख आपको मिल सकता है, वो मिल सकता है ऐसे लोगों से कि जो इमोशनल तो पहली बात है ही नहीं, और दूसरी बात उनका सर पता नहीं कहाँ आसमान में रहता है, ऑलवेज इन द क्लाउड्स, और वो ऐसा लगता है कि हर चीज से डिटैच्ड है। आप लोग ड्यूटीज चाहते हो लेकिन उसको तो ड्यूटीज से भी कोई मतलब नहीं है, वो उससे भी डिटैच्ड है। वो अपने आप को समाज से कटा हुआ, दुनिया से कटा हुआ, परिवार से कटा हुआ मानता है, कंप्लीटली उन लोगों के साथ अटैच नहीं कर पाता, या उसके आइडियाज ही ऐसे हैं जो आसमान में है या 30 साल इन द फ्यूचर है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो फ्यूचर की सोच रहा हूँ, और वो फ्यूचर में 30 साल आगे चला गया, 2022 ये चल रहा है, वो 2052 की बातें कर रहा है, 2022 की बातें नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस ऑल्सो आपको लगेगा कि भाई ये व्यक्ति आखिर है क्या, ये किस तरह का इंसान है, ये क्या चाहता है, मतलब आप परेशान हो जाओगे ऐसे इंसान के साथ। वहां पर भी आपको काफी अवॉइड करना है, ऐसे लोगों की संगत से भी आपको दूर रहना है। अगर आप लोग नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की खोज कीजिए जो कि आपकी वैल्यूज को शेयर करता हो, कि शादी कब होनी चाहिए, शादी में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, बच्चे कब होने चाहिए, माँ बाप को इन जनरल दोनों के कैसे ट्रीट करना चाहिए, समाज में पति पत्नी का क्या एक रोल होना चाहिए। जो व्यक्ति इन चीजों में आपसे मैच करता हो वो बहुत अच्छा है। ओके, तो जो एक ट्रेडिशनल या कॉमन सेंस में हम कहते हैं कि भाई शनि आ गया तो उम्र ज्यादा होगी, या कभी कभी तो फुलिशनेस भी देखने को मिलती है अगर शनि वहीं पर बैठे हो तो, दैट योर पार्टनर इज बोथ ओल्डर टू यू एंड स्लाइटली फुलिश, ओके, और बहुत रिजिड वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर हम उसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखें तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर शनि खासतौर पर मकर राशि आपके सातवें नवमांश में या सातवें घर में आती है, तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि भाई मैं ऐसा पार्टनर ढूंढू जिसके साथ मेरी वैल्यूज, मेरी ड्यूटीज मैच करती हो, जिसके साथ मेरा आउटलुक मैच करता हो। आपका एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड हो सकता है, उनका थोड़ा इंट्रोवर्टेड हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली वैल्यूज सेम रहती हैं। बच्चों को किस तरीके से पालना चाहिए आप ये डिस्कस कर लीजिए, बस उसको आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो परवरिश वाला मामला है ये आपने डिस्कस कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति से आपको शादी करनी है या नहीं करनी। इससे ज्यादा आप लोगों को किसी चीज की जरूरत होती नहीं है, इमोशनली आप लोग बहुत परसेप्टिव होते हो, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ वेरी फाइन फैशन। यही सारी चीजें थी जो कर्क लगने वालों को जाननी चाहिए अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कर्क लग्न के लोग अच्छे होते हैं, भले होते हैं, इमोशनली कभी कभार दूसरों के द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो। आपके जीवन में अगर ऐसा पार्टनर आएगा जो मकर राशि का होगा या मकर लग्न का होगा या फिर जिसके ऊपर मकर के खास प्रभाव होंगे, तो ऐसा पार्टनर आपको इस तरीके से मैनिपुलेट होने से बचा सकता है। इवन दो वो काफी कोल्ड तरीके से आपको बोलेगा दूर हटने के लिए, लेकिन फिर भी आपको बचा लेगा। तो ऐसे पार्टनर को ही ढूंढिए, और बाकी जो मैंने आपको दो सबसे वर्स्ट पार्टनर्स बताए उनसे दूर रहिए। बाकी आई एम श्योर योर लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और यूजफुल रहा। अगर रहा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।